हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमबीएस पीजीटी ज्योग्राफी का पेपर। ये पेपर 13 जून 2019 को हुआ था। दोस्तों, आज इस पेपर में हम चर्चा करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड वाले भाग पर, जिसमें कि 20 सवाल हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस पेपर से संबंधित अन्य भाग भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें हमारी चैनल की प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाले इस भाग को। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ मेजर मीनिंगफुल रियल लाइफ सिचुएशन फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ क्लासरूम? डेली अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, solving word problems given in the textbook, adding numbers on the board, copying the addition problem into the notebooks. सही जवाब है daily attendance of students. How does science writing occur in a classroom? Interaction between teachers and learners, notebooks and trees, science talks, small group discussions. सही जवाब है notebook entries. नाटक समस्त विद्यार्थियों में निम्न को प्रोत्साहित करता है, भूमिका अभिनय पर विंतन और कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालना, चित्रित पात्र की समानुभूतिपूर्ण समझ और पहचान, शिक्षण अधिगम की जांच करने या पुनरीक्षण रुचिकर बनाने का तरीका, या शिक्षार्थियों को पुनरीक्षण कौशलों का विकास। सही जवाब है ऑप्शन टू, चित्रित पात्र की समानुभूतिपूर्ण समझ और पहचान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शिफ्ट प्रपोज्ड इन सोशल साइंस इंस्ट्रक्शन बाय नेशनल फोकस ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट बाय NCERT 2006, फ्रॉम द कम्युनिटी बीइंग एक्सटर्नल टू बीइंग इंटरनल टू अ स्कूल, फ्रॉम द क्लासरूम बीइंग एक्सक्लूसिव टू बीइंग इंक्लूसिव, a teacher moving away from being a mentor to becoming a guide, from textbook as the only source of instruction to textbook as suggestive way of instruction. Sahi jawab hai option 4, from textbook as the only source of instruction to the textbook as a suggestive way of instruction. According to the theory of cognitive development, an external factor for child paying attention in classroom is मेमोरी, इंटरेस्ट, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट या फॉरगेटिंग। सही जवाब है कॉम्पिटेटिव स्पिरिट। अ मेजर डिसिप्लिन अंडर द फैमिली ऑफ सोशल साइंस इज लैंग्वेज विद सोसाइटी एज अ थीम, साइंस डीलिंग विद एक्सपेरिमेंट्स, साइंस विद रिसर्च इम्प्लीकेशन, साइंस विद सोशल इम्प्लीकेशंस। सही जवाब है साइंस विद सोशल इम्प्लीकेशंस। मूल्यांकन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता के अलावा विद्यार्थी की शिक्षण शैलियों का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को निम्न पर अवश्य विचार करना चाहिए। पहला, उनके सहकर्मियों द्वारा मॉडल किस सीमा तक उपयोग किया गया है। दूसरा, मॉडल किस सीमा तक स्कोर करना आसान है। तीसरा, मॉडल किस सीमा तक लागू करना आसान। चौथा, अनुसंधान में मूल्यांकन मॉडल का किस सीमा तक उपयोग किया गया है। सही जवाब है मॉडल किस सीमा तक लागू करना आसान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मूल्यों की शिक्षा में निम्न में को समाप्त करने में मदद मिलेगी, पुराने विश्वास, निर्धनता, हिंसा या अशिक्षा। सही जवाब है हिंसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शन? टू थिंक एंड रीजन, to memorize and recall formulae, to formulate and solve problem, to visualize and handle abstraction. सही जवाब है to memorize and recall formulate. शिक्षा में कला निम्न को प्रोत्साहित करती है, लीक से हटकर सोचना, सामाजिक विकास, खेल विधि, सौंदर्य विधि। सही जवाब है लीक से हटकर सोचना। निम्न में से कौन सा शब्द पक्षपात दर्शाता है? खूबसूरत, बहुत अच्छे, शाबाश, उत्कृष्ट। सही जवाब है खूबसूरत। परिवार में निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के सकारात्मक विकास का
परिणाम देता है। जब किसी अभिभावक को मानसिक स्वास्थ्य समस्या होती है, जब माताओं द्वारा दुर्व्यवहार या उपेक्षा का अनुभव किया जाता है, जब वित्तीय संसाधन अपर्याप्त होते हैं, जब परिवार की सामाजिक सहायता तक पहुंच होती है। सही जवाब है जब परिवारों की सामाजिक सहायता तक पहुंच होती है। बच्चे द्वारा प्रदर्शित निम्न में से कौन सा व्यवहार उसके यौन दुर्व्यवहार के शिकार होने का संकेत है? अत्यधिक सोना, खाने से संबंधित विकार, मित्रों से झगड़ा करना, शरीर में सूजन। सही जवाब है शरीर में सूजन। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन गिवन बाय NCERT फॉर टीचिंग इंग्लिश फॉर क्लास 6 to 8, द सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक डिजाइन फॉर सेल्फ स्टडी प्रमोटिंग रीडिंग फॉर pleasure only, both information and pleasures, completing the syllabus, information only. तो सही जवाब है both information and pleasure. अहकेंद्रिता क्या है? पहला, बच्चों द्वारा निर्जीव वस्तुओं को इस प्रकार संदित किया जाना जैसे कि उनमें सजीव जैसे गुण हो और वे क्रियाएं कर सकती हो। बच्चों का यह मानना कि सोचने का उनका तरीका ही सोचने का एकमात्र तरीका है। किसी स्थिति में एक से अधिक आयाम या पहलू को बच्चे द्वारा देखे पाने में असमर्थता। चौथा, प्रतीकों और संकेतों के उपयोग द्वारा सोचने की बच्चे की क्षमता। तो सही जवाब है ऑप्शन 2, बच्चे का यह मानना कि सोचना उसका तरीका ही सोचने का एकमात्र तरीका है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा का एक मुख्य ध्येय यह है सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन मनन करने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता विकसित करना, परीक्षा हेतु याद कराना, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता विकसित करना या तथ्यों को क्रमबद्ध करना। सही जवाब है ऑप्शन 1, सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन मनन करने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता विकसित करना। Which is not a challenge for girls' education? Lack of infrastructural facility, lack of female teacher, social feelings of insecurity about girls, discrimination based on religion or caste. Option 4, discrimination based on religion or caste. According to the research, what kind of language environment do educators use in highly qualified classrooms? A variety of pictures and graphics, a variety of experiments and practical work, a variety of analytical questions and complex problems, a variety of abstract words and complex sentences. तो सही जवाब है ऑप्शन 2, a variety of experiments and practical work. Which of the following features make distance education dynamic and exciting? Educational technology, communication channel, contact classes या educational resources? तो सही जवाब है educational technology. According to NCERT guideline for teaching social science, newspaper should be used in classroom to provide visual on the topic learned, to provide information that can help with their scientific research. Option 3, to provide pictures and graphic to make the news interesting. या option 4, to update on current history. सही जवाब है option 4, to update on current history.